प्रकार से एक चौकीदार होता है, वो बिना तलाशी के अंदर ना आने चलने का ना जाने का। एक होता है पहरेदार, वो ना बोलेगा ना कुछ कहेगा, बस देखता रहेगा कि नजरें सबके ऊपर रहेगी, ना प्रतिक्रिया ना तो प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार से हमें चौकीदार की तरह से काम नहीं करना, समाज से बाहर आए तब भी उसकी तलाशी ले, अंदर जाए तब भी उसकी तलाशी ले, ये काम हमें नहीं करना। हमें बड़ा आसान काम करना है कि देखते रहे कि समाज बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, छेड़ कर भी कुछ नहीं करनी, बस देखते रहे, साक्षी बन जाओ। और जब आप साक्षी बन जाओगे तो ये श्वास धीरे धीरे अपने आप स्लो होते हैं ना, ध्यान नहीं लगता, वो लगाते नहीं। जब ध्यान लगाएंगे इस प्रमाण के अंदर कोई ऐसी ताकत पूजा नहीं जो आपका ध्यान ना लगने दे। कुछ लोगों को मैं समझाता हूँ ध्यान लगाओ, वो बोलते हैं आप ही बैठाओगे, आप ही ध्यान लगाओगे, आप ही सब कुछ करोगे, मेरा तो मैंने तो अपने आप को आपके समर्पण कर दिया। लेकिन वो लोग आपसी है, कर्म की जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, ध्यान से भाग, परमात्मा के नाम से भाग रहे हैं, और वो गुरु की भी सुनते नहीं है कि मैं बोलता हूँ दो घंटे ध्यान लगाओ। वो लोग बोलते हैं आप ही लगाओगे, मैं बोलता हूँ आप बैठो। तो इसका कोई ना कोई मनमाफी जवाब होता है, लेकिन साधना नहीं। कुछ भी बिना साधना के आपको नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया, उन्होंने बताया मुझे कि जी मैंने साधना किसी से मंत्रों की शक्तियां, मंत्र की शक्ति उन्होंने करोड़ों जप किए थे, मैंने उनको खरीद लिया। मैंने देखा कि उठा करके ये ऐसा व्यक्ति कहां से आ गया जो भजन को ही खरीद रहा है। क्या आपको लगता है क्या मेरे अंदर की कुंडलिनी शक्ति मेरी जागृत हो गई है, या मेरी दिव्य दृष्टि
अच्छे रिश्ते हैं